चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक नई एडजस्टमेंट। अब हमारी एडजस्टमेंट है आर्न आर्न इनकम। बच्चे बेटे, ये इनकम क्या होती है कि आपको इनकम पहले से ही मिल गई है, आपने अभी उसकी कमाई नहीं करी, यानी कि आपने उसके बिहाफ पर काम नहीं करा, लेकिन इनकम आपके पास आ चुकी। सही है, इसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चे? इसको बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस तरीके की जो इनकम्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चे? अनअर्न्ड इनकम कहलाती हैं। इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए बच्चे, लिखिएगा अनअर्न्ड इनकम मीन्स एज इनकम दैट हैज नॉट बीन अर्न बट रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है इनकम अभी अर्न नहीं करी है, आई नहीं है, मतलब उस पर काम नहीं करा है और आपने उसको अमाउंट को रिसीव्ड कर लिया है। इस तरीके की इनकम जो आपको पहले से ही मिल जाती है वो इनकम क्या कहलाती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाती है। सर कोई एग्जांपल? हाँ बच्चे, एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल समझिए, लिखिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चे आपको क्या हुआ कि जो रेंट है वो रिसीव्ड हो गया एडवांस में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इस तरीके की जो आपको इनकम है जो रिसीव्ड हो गई है एडवांस में वो आपकी क्या कहलाती है? अनअर्न्ड इनकम कहलाती है बच्चे। इसकी बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है वो समझते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो मेरे बच्चे यहां पर जो आपके पास इनकम है ये इनकम कुछ भी हो सकती है, मतलब रेंट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरीके की एडजस्टमेंट होती है। सर इसका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट आपने देखना है कि फाइनल अकाउंट पे कैसे होता है और किस तरीके से चीजें शो ऑफ की जाती है। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है बच्चे, उस ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट गिवन है, रेंट है मेरे बच्चे आपका मान के चलिए 1700 और यहां पर आपको एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट में लिखा है कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में रिसीव्ड हो चुका है रेंट। कितना रेंट रिसीव्ड हो चुका है आपको मान के चलिए 700 रुपीज। तो बच्चे इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी ये समझते हैं। देखो बेटे ये इनकम है आपकी, इनकम क्रेडिट साइड है, अब आपकी इसकी एडजस्टमेंट समझिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए सर रेंट आता कहाँ है? सर रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का तो ये आइटम है ही नहीं, ये आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय रेंट, कितना है बच्चे? 1700, ये इनर कॉलम में लिखा। यहां से लेस करेंगे, सही है जी, लेस करेंगे
रेंट, या इसको ऑन ऑन रेंट लिख लीजिए, कितना मेरे बच्चे 700। तो अमाउंट कितना आ गया 1000 रुपीज। अब ये जो अन अर्न इनकम है, ये अन अर्न जो रेंट है, ये क्या है आपकी? अब ये तो सर आपने अभी जो है क्या है काम करानी है, तो ये जो चीजें हैं ये चीज कहाँ जाएगी, इसका इफेक्ट देखते हैं बच्चे। तो ये जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। तो बच्चे अन अर्न इनकम किस साइड जाती है ये समझते हैं। देखो बेटे आप खुद बताओ कि जब आपके पास ये अमाउंट यहाँ पर 700 रुपीज है और ये एडवांस में रिसीव हो चुका है ना, तो ये क्या है? अब बेटा ये तो आपकी लाइबिलिटी है ना, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अन अर्न रेंट, कितना लिखेंगे बच्चे 700 रुपीज। तो इस तरीके से जब आपके पास एडजस्टमेंट में चीजें दे रखी हो तो उसके दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बच्चे, और वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको शो ऑफ कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये है जब आपको एडजस्टमेंट दे रखी हो ट्रायल बैलेंस के बाद। सर ऐसा हो सकता है कि जो रेंट है, सही है जी, वो एडवांस में रिसीव्ड हो गया है, समझ रहे हैं मेरी बात को, और इस बार ये जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन है। कहाँ गिवन है मेरे बेटे? ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सर इस तरीके से अगर होगा तो मैं इसको फाइनल अकाउंट में किस तरीके से ट्रीट करूंगा। तो सही है बेटे, आइए समझते हैं। अब ये मान के चलो ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और यहां पर रेंट गिवन है। रेंट कितना गिवन है 1700, बात समझ रहे हैं? और यहीं पर ही ऑन ऑन रेंट भी गिवन है, वो कितना है बेटे, वो मान के चलो 500 रुपीज है, बात समझ रहे हो? तो उस तरीके से सेकंड रुकिएगा, ये 500 रुपीज आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बड़े ध्यान से समझो, अगर इस तरीके से आपको दे रखा और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो आपको किस तरीके से इसको शो ऑफ करना है, अब बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए बेटा आपका ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो रेंट है, ये तो रेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे बाय रेंट। सर कितना है 1700, तो आपने यहां पर कितना दिखा देना है 1700। अब ये देखो बच्चे अन रेंट रेंट इसका इफेक्ट हो चुका है, तो ये सिंगल इफेक्ट जाएगा और ये सीधा का सीधा कहां जाएगा बच्चे, बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये सीधा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहां बेटे ऐड नहीं करना, ध्यान ओ यहां पर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, सीधा बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बैलेंस शीट में दिखाना है, वहां लेस नहीं करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे ऑन ऑन रेंट, कितना बच्चे 500 रुपीज। तो यहां पर आप ये अमाउंट दिखा देंगे 500 रुपीज। तो आपने इस तरीके से समझा कि अगर वो सिंगल इफेक्ट दे रखा होगा तो किस तरीके से समझना है, और अगर उसको डबल इफेक्ट दे रखा होगा तो उसको किस तरीके से लेके चलना है एडजस्टमेंट में, ये चीजें आपने समझनी है। सही है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चे।